सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो क्या सब एकदम बढ़िया होंगे। एंड आप सभी का स्वागत है चिकी एमुलेटर में। एंड आज मैं आपको बताऊंगा कि आप चिकी एमुलेटर में काफी टाइम तक गेम्स को कैसे खेल सकते हैं। लाइक ये मान लो कि आप इसमें कॉइंस को कैसे अर्न कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बट गाइस यार वो वाली वीडियो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है। एंड उसके बाद इसमें काफी सारे अपडेट आए हैं जिसमें कि काफी सारे न्यू इवेंट्स को ऐड किया गया है। एंड आज मैं उन्हीं के ऊपर बात करने वाला हूं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। एंड साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इसमें GTA 5 को कैसे सेव कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ आप लोगों का भर भर के कमेंट आता है कि रोहित भाई चिकी एमुलेटर में GTA 5 को कैसे सेव करें। एंड GTA 5 से याद आया कि आप लोगों का ये भी कमेंट आता है कि रोहित भाई GTA 5 का गेम प्ले वीडियो कब आएगा या फिर माइनक्राफ्ट का गेम प्ले वीडियो कब आएगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मेरा PC आने वाला है जल्दी, तो उसी टाइम पे मैं इनके गेम प्ले वीडियोस को अपलोड करूंगा। एंड PC कब आएगा, क्या क्यों डिले चल रहा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख लेना। एंड हाँ, वीडियो को लाइक भी कर देना, बिकॉज ऑफ काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो अब एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं अपने चिकी ऐप में एंड देखते हैं कि एक्चुअली में उसमें क्या कुछ आया है। चलो गाइस सर, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप कॉइंस को कैसे अर्न कर सकते हैं। बट गाइस उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं GTA 5, Forza Horizon 5 एंड चूचू चार्ल्स, इन तीनों गेम्स को मैं चिकी एमुलेटर पे ही खेलता हूं। बिकॉज़ यार आप लोग पूछते हो भाई, वीडियो देखते नहीं हो, कमेंट में चले जाते हो, भाई रोहित भाई आप ये वाली गेम को कैसे डाउनलोड किया ये वो, तो मैं भाई वीडियो में बता देता हूं, ठीक है। सो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चलता हूं मी पे, ठीक है। आप नीचे साइड पे देख सकते हैं, मी पे जाने के बाद में पहले तो आप ये देख लो कि मेरे पास कॉइंस कितने हैं। ऑलमोस्ट मेरे पास $3,000 पड़े हुए हैं, 3,000 कॉइन पड़े हुए हैं। एंड ये मैंने कैसे अर्न किए ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, टास्क पे जाना है। उसके बाद में आपको आ जाना है नीचे साइड पे, जहां पे आपको वॉच ऐड का ऑप्शन मिलेगा। यहां पे आपको 3 ऐड देखनी पड़ेंगी जिसके बदले में आपको 15 कॉइन मिलने वाले हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड अभी आपको लेकर चलते हैं सीधा इवेंट्स की तरफ, जहां पे आपको काफी अच्छे खासे कॉइन मिलने वाले हैं, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, रिचार्ज का है, लॉटरी का है, कलेक्ट फ्रूटी का है एंड ट्रेजर हंटर का है, ठीक है। सो यहां पे देखो रिचार्ज का तो छोड़ ही दो, ठीक है, कौन ही पैसे बर्बाद करेगा। सो अभी आ जाते हैं लॉटरी पे। एंड यहां पे आपको पैसे मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है एंड पैसे जाने के चांसेस भाई सब 100% है। अभी आप देख सकते हैं ये एक स्पिन है, 30 कॉइन में आपको एक स्पिन मिलेगा एंड 280 कॉइन में आपको 10 स्पिन मिलने वाले हैं, ठीक है। सो लाइव प्रूफ है, अभी आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं। मैं यहां पे सीधा 10 टाइम करता हूं, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं मुझे क्या क्या मिलने वाला है भाई। कुछ नहीं मिला भाई, 30 और भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे कितने कॉइन मिले, 10 और 10 20, 20 और 30 50, 50 और 30 80, 80 और 30 110, 120, 130, 140, 140 कॉइन मिले हैं सिर्फ और सिर्फ मुझे, और गए कितने 280 कॉइन। भाई इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला भाई सब, ना ही आपको यहाँ पे VIP मिलने वाला है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आपको लूट रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप यहाँ पे स्पिन करो, ठीक है। यहाँ पे हम बैक चलते हैं एंड अभी आ जाते हैं यहाँ पे फ्रूटी में। भाई लिटरली बता रहा हूँ पर्सनली ये मेरा काफी अच्छा इवेंट है, बिकॉज ऑफ इसमें भाई काफी अच्छे खासे कॉइन मिलते हैं। अभी यहाँ पे आना आपको 7 ऐड देखने के लिए मिलेंगी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 7 ऐड देख लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं हमको भाई क्या कुछ मिलता है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स गो, यहाँ पे मैं ऐड देखना स्टार्ट कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी देखो मैंने यहाँ पे 7 ऐड देख लिया है एंड मेरे पास यहाँ पे 2 तो पीच फ्रूट है एंड यहाँ पे ग्रेप्स है 5 एंड बेरीज के नाम पे तो भाई कुछ है ही नहीं। बेरीज यहाँ पे काफी ज्यादा रेयरली मिलती है, ठीक है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। तो अभी देखो मेरे पास जो पीच फ्रूट है ना वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो मैं यहाँ पे जो नीचे साइड पे ना जहाँ पे हमको 30 गोल्ड कॉइन मिलने वाले हैं, यहाँ पे मैं इनको दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड वेट, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रही भाई, नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? ओके चलो हो गए। एंड अभी मेरे पास यहाँ पे 5 ग्रेप्स बचे हैं जिनको कि मैं यहाँ पे 30 वालों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट किया, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 30 गोल्ड कॉइन मिल चुका है, ठीक है। इनको मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया एंड अभी मेरे पास यहाँ पे 3 ग्रेप्स बचे हुए हैं एंड मैं यहाँ पे 10 वाले पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके तो अभी मैंने यहाँ पे कर लिया है। जब कल मैं दोबारा वीडियो देखूंगा तो उस टाइम पे हो सकता है मुझे यहाँ पे बैरी मिल जाए एंड जैसी बैरी मिलेगी तो मुझे यहाँ पे $99 मिल जाएंगे काफी इजीली, मतलब 99 कॉइन, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं यहाँ से बैक चलते हैं एंड अभी बताते हैं आपको और भी यहाँ पे इवेंट्स के बारे में, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे फ्री मिले हैं क्या? ओ यार मुझे यहाँ पे लॉटरी के लिए भाई फ्री मिले हैं भाई $5। तो अभी हम चलते हैं ट्रेजर हंट में, लेट्स गो। अभी यहाँ पे जल्दी क्लिक करते हैं, यहाँ पे भी आपको एक स्पिन देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे यहाँ पे ऐड देखोगे उसके जस्ट बाद यहाँ पे जो स्पिन है वो वर्क करने वाला है एंड यहाँ पे आपको मेनली सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज पे फोकस रखना है, कॉइन तो आपको मिलते रहेंगे बट हाँ अगर आपको यहाँ पे स्पीड कार्ड मिल गया ना तो भाई आपका लग काफी अच्छा रहेगा। बाय द वे मुझे यहाँ पे ना एक ही बार में 3-3 बार 2-2 बार स्पीड कार्ड मिले हुए हैं, ठीक है, मतलब 7 वीडियो में।
तो आप देख लेना आपका लक यहाँ पे कैसे चलता है। स्पीड कार्ड मिलने के बाद में ना आप अगर कोई लॉन्ग वीडियो है ना तो उसको आप काफी इजीली बना सकते हो, एंड उसमें आपके जो कॉइन है ना वो भी कम लगेंगे, एंड गेम में जो एंट्री है ना वो आप लोगों की वो भी काफी जल्दी हो जाएगी। एंड इसके अलावा मैं आपको और भी बता देता हूँ, ठीक है। लाइक आप यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करो, एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जो नए इवेंट्स आए थे, ठीक है, उनमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों के चार नए इवेंट्स है। बट हाँ कसम से बता रहा हूँ, मुझे इनके बारे में नहीं पता है, इसके बारे में मुझे पता है भाई क्योंकि मैंने ये प्ले किया था, एंड काफी इजी भी था, मजा भी आ रहा था। यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे राइट साइड के नीचे पे यहाँ पे 1x लॉन्च लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करो, कंफर्म पे क्लिक करो, यहाँ से एक बॉल जाएगी, एंड ये वाली बॉल एक्चुअली में अभी देखना ही है कि ये कहाँ पे जाने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई ये खाली गई है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो 8x, 5x, 2x, मतलब जितने पे भी आएगी ना ये हमको उसका 5 कॉइन का डबल होके मिलेगा, ठीक है। 5 कॉइन का 8 कर लो, मतलब 45 कॉइन मिल जाएंगे हमको, मतलब इस टाइप से ये वर्क करते हैं। अब यहाँ पे मैं 5 कॉइन और दोबारा वेस्ट करके देख लेता हूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे वेस्ट ही होता है भाई। यहाँ पे भाई लिटरली बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एक भी बार कुछ देखने के लिए नहीं मिला है कि हाँ भाई यहाँ से मेरा कुछ बेनिफिट हो जाए। बट हाँ क्या ही कर सकते हैं भाई, मतलब थोड़ा बहुत लालच तो आता ही है कि हाँ भाई कुछ तो मिल जाए, और मिला का भाई देखो, मतलब एक बार के लिए तो ऐसा लगता है मानो भाई यहाँ पे ना हमको काफ़ी अच्छे खासे कॉइन मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम पे मैं यहाँ पे एक और बार करके देख लेता हूँ, आई होप सो कि लक चल जाए। लक क्या भाई साहब, ये तो सीधा ही भाई खाली वाले में गई है। चलो अभी यहाँ से बैक चलते हैं भाई, पैसे बहुत जा रहे हैं। ओके, एंड इसके अलावा ना यहाँ पे एक ये भी है क्रेज जिम, ठीक है, इस पर आप क्लिक करो क्रेज जिम पे, यहाँ पे आपका लक जो है वो चमक सकता है। यहाँ पे ऊपर साइड पे सेकंड चल रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे आप नीचे साइड पे देख सकते हैं 5 कॉइन, 10 कॉइन, 50 कॉइन एंड 100 कॉइन। यहाँ पे अभी मैं 5 कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे ना वो आता है देखो बिग स्मॉल सिंगल डबल, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना रहता है। एंड वेट भाई साहब ये क्या आ रहा है, रिचार्ज करने के लिए बोल रहा है क्या ये? पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि इस वाली बैट को लगाने के लिए हमको गेम में परचेज करना पड़ेगा या फिर हमको हमारे पास VIP होना चाहिए, बट अभी पता नहीं इन्होंने ये क्या सिस्टम कर दिया। आई थिंक जो अभी नया अपडेट आया था ना रिसेंट में, उसी की वजह से ये हुआ है। बट हाँ इसके ऊपर साइड में भी, चलो यार ये सब बातें छोड़ते हैं, बिकॉज ऑफ इनमें आपको भाई कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा आपके कॉइन जाने वाले हैं, ठीक है। बट हाँ जहां जहां से आपको पैसे मिल सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। वेट गाइस यार, एक इवेंट के बारे में तो हम भूले गए जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमको काफी अच्छे खासे कॉइन मिल सकते हैं, ठीक है। आपको नीचे साइड में आना है, यहाँ पे आपको ना पोर्ट करके यहाँ पे कुछ स्ट्रीम्स मिलेंगी, ठीक है, लाइव मिलेगी, इन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ना ये मिलेगा बबल, ठीक है, आप राइट साइड में नीचे साइड पे देख सकते हैं ये वाला बबल मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है ये गेट प्रोप, इस पे आपको क्लिक कर देना है, एंड यहाँ से आप भाई साहब वीडियो देख देख के प्रोप ले सकते हो, एंड प्रोप को आप कन्वर्ट कर सकते हो लेवल 1 प्रोप, लेवल 2 प्रोप, लेवल 3 प्रोप, ऐसे करके आप लेवल 6 तक जा सकते हो। अगर आपके पास लेवल 6 का प्रोप हुआ तो आपको यहाँ पे $1700 मिलने वाले हैं, 1700 कॉइन मिलने वाले हैं, जो कि भाई साहब आपके लिए काफी ज्यादा ही रहेंगे, ठीक है। एंड आपको मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, चलो एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ना जितनी भी एड्स है ना साथ के साथ ये देख लेता हूँ। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे लेवल 1 के 6 प्रोप्स हैं, एंड लेवल 2 के मेरे पास 1 प्रोप है, ठीक है। सो अभी आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना है, जैसे कि मेरे पास अभी यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे लेवल 2 के प्रोप में कन्वर्ट कर रहा हूँ लेवल 1 वालों को, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास लेवल 2 के अभी के टाइम पे 4 प्रोप हो चुके हैं, और लेवल 3 का प्रोप बनाने के लिए मुझे यहाँ पे लेवल 2 के 3 प्रोप चाहिए, जो कि मेरे पास है, मेरे पास 4 है, मतलब एक एक्स्ट्रा है। सो अभी मैं यहाँ पे लेवल 3 का प्रोप भी बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया, एक्सचेंज पे चलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे 20 कॉइन मिल चुके हैं, एंड अगर आप यहाँ पे इनको कलेक्ट करते रहते हो ना तो आप यहाँ पे भाई 80 कॉइन, 435 कॉइन तक ले जा सकते हो अपनी गाड़ी को। बट हाँ याद रखना कि ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ एक वीक के लिए रहते हैं, उसके बाद ये रीसेट हो जाते हैं एंड दोबारा से आ जाते हैं। कभी पता लगे भाई आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया एंड आपके जितने भी प्रूफ्स थे ना वो सारे के सारे उड़ गए। भाई तो अभी भाई कुछ बचा तो है नहीं, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आप कहां कहां से कैसे कैसे कॉइन को अर्न कर सकते हैं। सो अब एक काम करते हैं, जल्द चलते हैं अपने GTA 5 में, एंड आप लोगों को बताते हैं कि आप उसको सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स गो, अभी यहाँ पे प्ले पे क्लिक करते हैं, एंड वेट मैं भाई साहब क्या करूँ यार, मतलब काफी टाइम लगने वाला है। चलो देखो, ओके सो गाइस यार अभी देखो मैं अपनी गेम में तो आ चुका हूँ, जिसमें कि काफी ज्यादा टाइम लग गया। बट हाँ अभी आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पे अपनी गेम को कैसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। लेट्स गो, अभी रुक जा भाई, ओके यहाँ पे क्लिक करना है, आपका जो फोन है वो आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेव वाले क्विक सेव का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, इस पे आके आपको नॉर्मली से ए पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप एक पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे इस वाले पेज पे। यहाँ पे आते ही आप ऊपर साइड पे देख सकते हैं क्रिएट न्यू सेव। आप इस पे भाई अगर आपको न्यू सेव करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एंड अदरवाइज आपकी जो पहले वाली जो आपकी फाइल सेव रहेगी आप उसमें भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ए पे क्लिक करते हैं एंड दोबारा से मैं ए पे क्लिक करता हूँ। ओके सो अब यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग लेगा एंड जो अपनी गेम है वो सेव हो चुकी है। एंड आप जब भी आओगे ना आपकी गेम यहीं से स्टार्ट होगी, अगर आपकी गेम कहीं और से स्टार्ट होती है, ठीक है, सपोज डैट कि आपने सेव की थी और आपकी गेम वहां से स्टार्ट नहीं हुई है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, ये थ्री डॉट पे, एंड इसके बाद आपको चले जाना है सेटिंग में, मतलब सेटिंग में नहीं सॉरी आगे आना है ऑनलाइन गेम्स में आना है आपको। वेट, ये रहा देखो, गेम्स में आने के बाद में आपको क्या करना है, ए पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा लोड गेम। लोड गेम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने वाली फाइल आ जाएगी जहाँ पे आप अपनी गेम को सेव किया था, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई मैंने यहाँ पे 6 फाइल को बना रखा है, ऑफकोर्स यार 5 फाइल थी, एक मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, ठीक है। सो आप यहाँ से इस प्रकार अपनी गेम को सेव कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। एंड अभी मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, अभी एक काम करता हूँ, बैक चलता हूँ मैं, लेट्स गो, अपनी गेम को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 2865 कॉइन है, ठीक है। एंड मैं सोच रहा हूँ क्यों, अभी देखो पीसी तो आने वाला है, ठीक है, सो चिकी ऐप की तो कोई जरूरत नहीं रहने वाली, बट हाँ मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारे के सारे कॉइन ना मैं लाइव स्ट्रीम में भाई ऐसे ही उड़ा दूँ, ठीक है, मस्ती करेंगे अपनी, मस्त GTA 5 ऑनलाइन खेलेंगे। इसके अलावा भी अगर और भी कोई आप गेम बताओगे ना लाइव स्ट्रीम में उस टाइम पे मैं ये सारे के सारे कॉइन उड़ाने वाला हूँ। एंड इसके साथ मेरे ख्याल से ना 3 घंटे की 3 लाइव स्ट्रीम मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इतने कॉइन्स में, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि तरह मजा आने वाला है। एंड हाँ, इसकी जो लाइव स्ट्रीम है वो मैं अपने सेकंड चैनल पे करूंगा। एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में जो मेरा पीसी है ना उसको आने में टाइम क्यों लग रहा है, ठीक है। गाइस यार अभी देखो मैं ट्रेनिंग पे जाता हूँ, ठीक है, एंड वहाँ पे भाई छुट्टी लेना मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है, बिकॉज ऑफ वहाँ पे छुट्टी लेने के लिए ना मुझे किसी और बंदे को वहाँ पे ड्यूटी पे रखना पड़ेगा, जिसके चलते वो मेरी जगह पे ड्यूटी करेगा एंड देन मुझे वहाँ पे छुट्टी मिलेगी, ठीक है। तो अभी उस बंदे के पास थोड़ा बहुत अभी टाइम नहीं है बिकॉज ऑफ वो दूसरों बंदों की ड्यूटी कर रहा है। सो अभी देखते हैं, मैंने उसको बोला तो है कि हाँ भाई परसों की तू ड्यूटी लगा ले, बट अभी देखते हैं कि वो परसों की लगाता है या फिर 2-4 दिन बाद लगाएगा। बट हाँ, जब भी वो ड्यूटी पे जाएगा तो मुझे छुट्टी मिलेगी एंड मैं जाऊंगा अपना पीसी बिल्ड करवाने के लिए, एंड उसका एक व्लॉग भी आएगा। एंड व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा भाई, पहला व्लॉग रहेगा तो देखो कोई गलती होगी तो उसको माफ करना, बट हाँ काफी ज्यादा मजा आने वाला है, काफी ज्यादा मस्ती करेंगे एंड मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा कि एक्चुअली मैं कौन सा पीसी लेने वाला हूँ, उसका जो प्राइस है वो क्या रहने वाला है एंड उसका जो गेम प्ले वीडियो है ना वो कब आने वाली है, ठीक है। सो बस अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी थी क्योंकि आप लोग यार काफ़ी टाइम से पूछ ही रहे हो भाई। एंड हाँ, अभी एक ग्लिच भी चल, ग्लिच तो नहीं बोलेंगे बट आप पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है यूट्यूब पे जिसकी वजह से व्यूज डाउन में आ रहे हैं काफ़ी भाई भाई डिस्कॉर्ड पे पूछते हैं, तो भाई डीमोटिवेट मत हो, वीडियो अपलोड करते जाओ, वो प्रॉब्लम है भाई कुछ यूट्यूब वालों की खुद की, वो अपने आप सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। सो चलो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप सो कि याली वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो गाइस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।